नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एल के ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक फेस पैक के बारे में बताने जा रही हूँ, और जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका चेहरा जो है, अगर आप 50 की उम्र के हैं तो आपका चेहरा 20 की उम्र का लगेगा। आपने करना क्या है, आपने मेरे कहे अनुसार इस फेस पैक का इस्तेमाल करना है। और हमें क्या चाहिए इस फेस पैक को बनाने के लिए, ये जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। एक ज़रूरी बात और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक एल के ऑल इन वन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा कि यूट्यूब पर मेरा जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए कॉफ़ी और दूध। कॉफ़ी हमें चाहिए 2 चम्मच, दूध हमें चाहिए 2 चम्मच। अब दोस्तों, कॉफ़ी जो है, आप सब जानते हैं हम कॉफ़ी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कॉफ़ी से हम एक फेस पैक बना सकते हैं जिससे कि आपकी त्वचा जो है बहुत ज़्यादा कसावट भरी हो जाएगी, आपकी त्वचा में बहुत ज़्यादा कसावट आ जाएगी। और रही बात दूध की, दूध जो है दोस्तों ये मॉइस्चराइज करता है, मुलायम बनाता है आपकी त्वचा को। अब इसमें आपने करना क्या है, 1 कटोरी में 2 चम्मच दूध ले लीजिए, 2 चम्मच कॉफ़ी डाल दीजिए, अच्छे से इन्हें मिला लें, अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद आपने क्या करना है, इस पेस्ट को आपने अपने चेहरे पर कॉटन की सहायता से लगा लेना है। 20 से 25 मिनट तक आपने इसे लगा रहने देना है, और उसके बाद गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। दोस्तों, जब आप ये पहली बार ही करेंगे आपको अपनी त्वचा में बहुत ज़्यादा बदलाव नज़र आएगा, आपकी त्वचा चमकने लगेगी, ग्लो करने लगेगी, और आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा कि वाकई आप 50 की उम्र में भी 20 की उम्र की त्वचा पा ली है आपने। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर कोई 50 की उम्र में भी 20 की उम्र की त्वचा पा सके। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छी और बेहतर जानकारी के लिए देखते रहिए एल के ऑल इन वन चैनल। स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू दोस्तों।